उदयपुर संभाग के सबसे बड़े एमबी हॉस्पिटल में रोजाना हजारों लोगों का इलाज होता है। ऐसे में यहाँ पर हॉस्पिटल प्रशासन को सफाई व्यवस्था के साथ साथ सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना होगा ताकि यहाँ पर आने वाले मरीज को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, साथ ही परिजनों को भी चक्कर नहीं लगाने पड़ेगी। यह बात संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट ने शुक्रवार को अपने दौरे के दौरान आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर विपिन माथुर और अधीक्षक डॉक्टर आरएल सुमन से कही। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जिले के साथ साथ अन्य जिले के लोग भी इलाज के लिए पहुँचते हैं। प्रदेश सरकार की मंशा है कि कोई भी गरीब यहाँ पर आने के बाद बिना इलाज के नहीं लौटे। ऐसे में सभी को चिकित्सा सुविधा मुहैया करानी चाहिए। शुक्रवार को एमबी हॉस्पिटल के निरीक्षण पर संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट के साथ जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल भी मौजूद थे। दोनों महाराणा भोपाल चिकित्सालय के सुपर स्पेशलिटी विंग में पहुंचे। यहां पर कुछ देर रुकने के बाद दोनों अधिकारी बाल चिकित्सालय पहुंचे। यहां पर उन्होंने आईसीयू और एनआईसीयू का दौरा किया। इससे पहले बाल चिकित्सालय के वार्ड का दौरा करते हुए वहां पर की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। इस दौरान उन्होंने बाल चिकित्सालय के अधीक्षक से जानकारी ली। बच्चों के लिए बने आईसीयू और एनआईसीयू में बच्चों को मिलने वाले इलाज के साथ सुविधाओं पर चर्चा करते हुए उन्होंने जानकारी ली। उसी दौरान वल्लभ नगर प्रधान देवीलाल ने दोनों से मदर मिल्क बैंक से दूध नहीं मिलने की शिकायत की। इस दौरान सभी अधिकारी वहां पर रुक गए। देवीलाल ने कहा कि जब एक जनप्रतिनिधि को अस्पताल में दूध उपलब्ध नहीं हो सकता तो आम जन को कैसे उपलब्ध होता होगा। इस पर संभागीय आयुक्त ने आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर विपिन माथुर से जानकारी मांगी। माथुर ने स्पष्ट किया कि जितना मिल्क बैंक में महिलाएं दूध डोनेट करती है उसी के अनुरूप दूध उपलब्ध करवाया जाता है। जैसा कि आपको विदित है कि आज हमारे संभागीय आयुक्त महोदय और हमारे जिला कलेक्टर महोदय इन्होंने संयुक्त रूप से आरएनटी से संलग्न अस्पतालों महाराणा भोपाल, हमारे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बाल चिकित्सालय और पन्नाधाय चिकित्सालय, इनका उन्होंने निरीक्षण किया। और जनरली सारी जो चीज़ें और सुविधाएं, मरीज से जुड़ी सुविधाएं, सारे शौचालय, दवाई का हमारा जो केंद्र है, हमारा जो चिरंजीवी योजना वाला जो केंद्र है, इन सब जगहों का उन्होंने निरीक्षण किया और ओवरऑल उन्होंने जो है वो संतोष जाहिर किया कि मरीजों को मिलने वाली सुविधाएं, दवाएं और अन्य सब योजनाएं जो राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना है उनका क्रियान्वयन ठीक तरीके से हो रहा है। कुछ इश्यूज़ हमारे जो है वो सीवरेज लाइन को लेकर के थे, जो कि स्मार्ट सिटी ने हमारे यहाँ पर उसको बनाया है, तो संभागीय आयुक्त महोदय ने पहल करते हुए और जो कुछ छोटी मोटी कमियाँ रह गई थी उनको उन्होंने यूडीए से कराने का आश्वासन दिया है। और मौके पे ही उन्होंने यूडीए के इंजीनियर साहिबान को बुला लिया था और उन्होंने निरीक्षण करके, और वो सोमवार को हम इस चीज़ के बारे में मीटिंग करेंगे। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि जो ये कुछ हमारे सीवरेज लाइन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी उनका भी बहुत ही अच्छी तरीके से समाधान हो जाएगा। मैं देवीलाल नंगारची, वल्लभ नगर पंचायत समिति प्रधान। मैं करीबन लगभग यहाँ से 27 तारीख से इस हॉस्पिटल में हूँ। मेरे खुद की मिसेज यहाँ भर्ती है और 7 महीने का ऑपरेशन हुआ जिसमें बच्ची हुए, दोनों स्वस्थ है और सारी व्यवस्था ठीक है, लेकिन मदर बैंक के अंदर बहुत सारी समस्या इसलिए आ रही है कि वहाँ ऑपरेशन करके वहाँ शिफ्ट करते हैं और ऑपरेशन में मरीज की हालत आप जानते हो किस तरीके की होती है और किस तरह के टांके आते हैं, तो वहाँ 2 कर्मचारी नियुक्त होते हैं, वो भी वो काम नहीं करते हैं और बराबर दूध की सेवा नहीं करते हैं। और रात को ऐसी मेरे साथ कुछ घटना हुई है, जो रात को उन्होंने 3 पॉइंट दूध आया और शाम को दूध देने से मना कर दिया बिल्कुल, और कहा आपको जहाँ शिकायत करनी जो कर देना। तो ये स्थिति है, तो फिर जनता का क्या होता होगा? अगर मैं एक जनप्रतिनिधि होते हुए अगर ये कह रहा हूँ तो फिर इस जनता का क्या होता होगा? माननीय मैंने कलेक्टर साहब को, संभागीय आयुक्त को भी इसकी शिकायत की है, तो उन्होंने कहा पूरी तरफ से व्यवस्था में सुधार। मेरे कहने का अर्थ है कि उनको सेवा करने बिठाया, डोनेट के लिए बिठाया, जनता की सेवा करने के लिए बिठाया। सरकार से पैसा और जनता का पैसा और जनता के पैसे का उपयोग होना चाहिए, ये नहीं कि उनके आनाकानी होनी चाहिए। दूसरी बात है वो 6:30 बजते ही बंद कर देते वहाँ दूध निकालने के लिए। उनका है एक तो उनको पाबंद किया जाए कि 7:30 बजे 8 बजे तक खुली रखे, सरकार उनको तनख्वाह दे रही है। मैंने अभी कलेक्टर साहब से भी समस्या रखी, संभागीय आयुक्त महोदय से भी समस्या रखी और जो इनके यहाँ डीएन के जो भी डीएन है वो सामने खड़े थे उनसे भी मैंने ये रखा ताकि जनता की जो सुविधा है, क्योंकि बहुत जान एक बहुत बड़ी कीमत है, किसी उन्होंने कहा समस्या का समाधान करवाएंगे और व्यवस्था सुधारेंगे, ये कहा उन्होंने।
घर की सजावट के लिए जरूरी है इंटीरियर, और यदि आप फर्नीचर खरीदने की सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि उदयपुर के प्रसिद्ध फर्नीचर निर्माता पूनम फर्नीचर पर उपलब्ध है सभी तरह के उच्च क्वालिटी फर्नीचर और साथ में फाइनेंस सुविधा भी। हॉस्पिटल, होटल और कॉलेज जैसे टर्न की प्रोजेक्ट में महारत हासिल, घर की सजावट या शादी के लिए खरीदना है फर्नीचर तो जरूर आइए पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5 उदयपुर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट 9783262618 एंड 9828141898।